केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर पहुंचे हैं, जहां ग्वालियर एयरपोर्ट पर सिंधिया के आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश को विकास के नए पथ पर ले जाने का कार्य किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक रोज पूर्व जो बजट प्रस्तुत किया है वह जनता का बजट है और शिवराज सरकार ने इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा है, विशेषकर महिला सशक्तिकरण के लिए। बजट में जो लाडली बहना योजना शुरू की गई है, इस योजना से महिला सशक्तिकरण से प्रदेश एक नया आयाम स्थापित करेगा। ये स्पष्ट है कि हमारी सरकार एक समावेशी सरकार, समग्र विकास की सरकार और अंत्योदय का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ने वाली सरकार देश के हर कोने, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, यही भाव, यही संकल्प के साथ सरकार आगे बढ़ रही है।